नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्रिय दर्शकों का। जुलाई शुरू हो चुका है। जुलाई का महीना बहुत ही खास है। सावन भी शुरू होने वाला है। जुलाई का महीना पांच ऐसे मौके, पांच ऐसे वरदान आपके लिए कि आया है आपके लिए, जिसमें आप अनेक दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में खुशियां पा सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद पा सकते हैं और ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। तो जल्दी से जानते हैं वो पांच मौके क्या हैं। इधर उधर की बातें करें उससे पहले इन मौकों को जान लेते हैं। ये कोई भी राशि वाला देख सकता है, सबके लिए हैं। महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। तो पहला मौका आपको मिलेगा 1 तारीख को, जब देव शयनी एकादशी का पर्व होगा और आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है चतुर्मास का आरंभ होगा। भगवान विष्णु आराम करने के लिए पाताल लोक चले जाएंगे अपने शयन कक्ष में और भगवान शिव को ब्रह्मांड की जानकारी जिम्मेदारी दे देंगे कि अब आपको चलाना है और भगवान शिव की देख रेख में होगी दुनिया। तो भगवान शिव की देखभाल करें, उनकी पूजा करें, प्रकृति की पूजा करें, भोलेनाथ कृपा बरसाएंगे और त्रिशक्ति रक्षा कवच धारण कर लें। 3 रुद्राक्ष से बना हुआ साथ में स्फटिक के दाने, माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद, आकाश पाताल धरती इन सब से जो भी बुरी या नेगेटिव एनर्जीज हैं उनसे बचाएगा और ईश्वर का आशीर्वाद दिलाएगा और भगवान भोलेनाथ का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। आप इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो पहला मौका आपको 1 जुलाई को ही मिल रहा है। दूसरे मौके की तरफ बढ़ते हैं जो 3 जुलाई को मिलेगा। विजया पार्वती व्रत के नाम से है। यह चमत्कारिक व्रत है जिस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यशाली होने का वरदान पाती हैं ईश्वर से। पार्वती जी को प्रसन्न करके सुंदर मौके बनाती हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। आपको अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा सौभाग्य मिलता है, परिवार में सब सुख शांति रहती है, संतान की प्राप्ति होती है। जिनको संतान की प्राप्ति में दिक्कत है वो इस व्रत को करें। माँ पार्वती खुश हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलना तय है। महिलाएं यह व्रत करके अपनी इच्छा पूर्ति कर सकती हैं, इच्छा चाहे कुछ भी क्यों ना हो। बहुत बढ़िया है। 3 तारीख याद रखिएगा, 3 जुलाई। अगले मौके की तरफ बढ़ते हैं। 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी है। तो गुरु का आशीर्वाद जिसको मिल गया, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। भगवान भी गुरु की सुनते हैं, इस बात को जान लीजिए। तो अपने गुरु, माता पिता, जो भी आपके वरिष्ठ गुरु हैं जिनकी वजह से आप कहीं आगे पहुंचे हैं, उनका सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और ग्रहण काल एक ऐसा काल होता है जिस दिन सिद्धियां मिलती हैं। एक सामान्य इंसान ईश्वर को प्रसन्न करके खुशियां पाता है, प्रसन्नता पाता है भविष्य के लिए, और एक साधक मंत्रों को सिद्ध करके खुद के लिए भी काम करता है और उससे संसार का भी भला करता है। तो बहुत बढ़िया दिन है 5 जुलाई का भी। गुरु पूर्णिमा प्लस आपका चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण का क्या वक्त, क्या सब कुछ रहेगा, इसके लिए वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। बहुत इंतजार होता है चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का। अच्छा रहेगा कुछ मामलों में, क्या कुछ अच्छा है क्या कुछ बुरा है आपकी राशि के अनुसार, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। 1-2 दिन में वीडियो आपके समक्ष होगा। ये मौका हाथ से न जाने पाए इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले मौके की। चौथा मौका आपको मिलेगा कामिका एकादशी के रूप में 16 जुलाई को। कर्क एकादशी भी है, सूर्य का परिवर्तन होगा। जो भी लोग कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं या पूजन करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, उनके दुखों का अंत, पापों का अंत होना निश्चित है। जो भी लोग एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाते हैं और समस्त पापों से मुक्ति पाकर समस्त दुखों से मुक्ति पा लेते हैं और बड़ी बड़ी पूजा पाठ या बड़े बड़े तंत्र मंत्र अंगूठी ये वो फला भी फेल है आखिरी पूजा के आगे। समस्त दुखों से मुक्ति पानी है तो 16 जुलाई के दिन को मत भूलिएगा। अगले तरफ चलते हैं। 25 जुलाई नाग पंचमी, भगवान शिव की उपासना करें। जिसको भी काल सर्प दोष है, बढ़िया दिन है पूजा पाठ कराने के लिए। काल सर्प की पूजा विधिवत कराएं, जीवन में सर्प दोष से मुक्ति पाएं, नाग देवता को दूध पिलाएं, सपेरे को पैसा देकर नाग देवता को मुक्त कराएं, नाग देवता की प्रतिमा पर दूध धान खील दूब अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर विजय पाकर अपने गांव वालों को, अपने साथ के लोगों को बचाया था। भगवान कृष्ण की उपासना भी कर सकते हैं। और जिनको भी काल सर्प दोष है वो काल सर्प दोष रक्षा कवच धारण कर लें, मुक्ति मिल जाएगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी 30 जुलाई को है। जो भी भक्त आज का व्रत करते हैं उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर
फल मिलता है, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, इतना बड़ा फल आपके जीवन से जुड़ जाता है। जिसको संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान प्राप्ति में बाधा है, वो ये व्रत जरूर करें, निश्चित ही संतान का सुख मिलेगा और पापों से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, और एक योग्य संतान के माता पिता बनेंगे आप। अब बात करते हैं सावन के 16 सोमवार कौन कौन सी तारीख को होंगे। पहला सोमवार होगा 6 जुलाई को, दूसरा होगा 13 जुलाई को, अगला है 20 जुलाई को, फिर है 27 जुलाई को। जुलाई के महीने में जो सोमवार है वो मैंने आपको बता दिए। भगवान शिव को खुश करिए, प्रसन्न करिए, और आप जानते हैं सावन का महीना बड़ा ही सुहावना लुभावना होता है, वर्षा होती है, नए नए पत्ते आते, प्रकृति की सेवा करिए, प्रकृति ही शिव है, प्रकृति में ही शिव मिलेंगे, हर पत्ते में शिव, हर पेड़ में शिव, हर कण कण में शिव। और समस्याएं हैं, तकलीफ है, कुछ भी है, तो त्रिशक्ति रक्षा कवच धारण कर लीजिए, जो शिव को अत्यंत प्रिय है और जिसके गले में ये रक्षा कवच है, ये बंद है, वो शिव का प्रिय है। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। बाकी इन मौकों का फायदा उठाएंगे तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। हरिओम, नमस्कार। नमस्कार। त्रिशक्ति, तीन शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीन की शक्तियों से बना हुआ एक अद्भुत त्रिशक्ति रक्षा कवच, जो आकाश पाताल और धरती में जो भी अशुभ प्रभाव है उनसे आपको बचाएगा और ईश्वर की कृपा आपको देगा। ये ओरिजिनल प्योर सर्टिफाइड नेपाली रुद्राक्षों से बना हुआ, साथ में स्फटिक का भी प्रयोग किया है हमने, चांदी में मढ़ा हुआ लाल धागे में, महिला पुरुष बच्चे धारण कर सकते हैं। ये त्रिशक्ति रक्षा कवच, ये त्रिशक्ति बंध पैसा मान सम्मान दुखों से मुक्ति हेल्थ सब कुछ देगा। जिसका विवाह नहीं हुआ उसमें सहायता करेगा, जिसको संतान चाहिए उसकी सहायता होगी, जिसको पॉलिटिक्स में आगे जाना है उसकी सहायता होगी, जिसको शिक्षा में आगे जाना है, विदेश जाना है, शादी करनी है, प्रेम संबंध में समस्या है, सब चीजों में। मैंने क्या कहा, त्रिशक्ति। यहां पर कोई ऐसी चीज बची नहीं है जिससे आपको राहत ना मिले। आप में से जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, ये आपकी राशि के अनुसार बढ़ाया जाएगा। ये कोई तैयार नहीं पड़े होंगे, जितने ऑर्डर्स आएंगे उतने ही बनेंगे, फिर भी बहुत लिमिटेड हैं। मंत्रों से अभिमंत्रित होगा और आप तक कोरियर से भेजा जाएगा, और साथ में अगर जिनको काल सर्प दोष है वो लोग काल सर्प दोष रक्षा कवच भी ले सकते हैं। सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना एक ऐसी चीज है, समझ लीजिए ईश्वर की कृपा, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर है। बड़ी मुश्किलों से लोग रुद्राक्ष धारण कर पाते हैं, इतना आसान नहीं होता है। अगर आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है तो आप जरूर धारण कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कौन धारण करेगा कौन नहीं कर पाएगा, लेकिन जो कर पाएगा वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे और आजीवन सुखों को पाता रहे, क्योंकि शिव को अत्यंत प्रिय है रुद्राक्ष, और जिसके गले में रुद्राक्ष है वो शिव को पसंद है, और जो शिव को पसंद है उसको कोई कष्ट नहीं हो सकता। कष्ट कोई भी हो, शिव के लिए वो कष्ट हटाना चुटकियों का काम है। तो आप शिव के प्रिय बन जाइए, शिव आपके प्रिय बन जाएंगे। तो जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर करिए, जैसे भी आपकी इच्छा करे वैसे करिए, और बुकिंग शीघ्र कराइए ताकि वक्त से चीज़ें तैयार होकर वक्त से आपको मिल जाएं। हरिओम, नमस्कार।